पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले के बाद जांच एजेंसी एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। ईडी की टीम ने शुक्रवार सुबह ममता सरकार के तीन नेताओं के यहाँ छापेमारी की। ये छापेमारी बंगाल के मंत्री सुजीत बोस, टीएमसी विधायक तापस रॉय और नॉर्थ दमदम म्यूनिसिपैलिटी के पूर्व चेयरमैन सुबोध चक्रवर्ती के यहाँ हुई। ईडी ने ये रेड नगर निगम के भर्ती घोटाले के सिलसिले में की, जहां टीएमसी विधायक तापस रॉय ने 12 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई और वहीं पूछताछ के बाद ईडी मोबाइल और दस्तावेज ले गई। सुजीत बोस की बात करें तो सुजीत बोस के ठिकानों पर 14 घंटे तक ईडी की छानबीन हुई, जिसके बाद देर रात ईडी की टीम वहां से रवाना हुई। आपको बता दें कि सुजीत बोस 2010 से 2021 तक साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन रहे थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल में नगर निगम में जो 250 भर्तियां की गईं, उनमें घोटाला हुआ। ईडी की छापेमारी शुरू होते ही बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो चोरी करेगा, जो भी घोटाला करेगा, उसके यहां ईडी पहुंचेगी। चोर का घर में ईडी का रेट तो होगा ही, चोर है। टी-शर्ट दे। सुजीत बोस इन्वॉल्व साउथ दमदम म्यूनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम। हिज टू डायरेक्ट रिलेटिव एंगेज इन कामाराटी म्यूनिसिपैलिटी। तापस राय ऑल्सो इन्वॉल्व इन बरानगर म्यूनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम। वी बेंगल पीपल वी द यूथ वी वांट दे शुड गो टू बिहाइंड द बार। वहीं टीएमसी के नेता इसे बदले की सियासत बता रहे हैं। छापेमारी के बाद मंत्री सुजीत बोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करने का खुला खेल चल रहा है। जब चुनाव आते हैं तो ईडी सीबीआई नोटिस देना शुरू कर देती हैं। हम लोग तो बोल रहा है ये पॉलिटिकल वेंडेटा, ये तो पहले से ही बोलता है। जब निर्वाचन आता है ये लोग का ईडी सीबीआई और किया है इनकम टैक्स को, ये लोग सबको नोटिस देता है। क्या हमारा की कमजोरी करना है? हमको नहीं, कमजोरी नहीं करना सकता है। हम लोग मजबूर है और हमारा साथ जो पार्टी का कर्मी है सब लोग भी शक्तिशाली भी है। हम लोग को भी माथा झुकाता, सिर नहीं झुकाता है, किसी आदमी को सिर नहीं झुकाता है। वो टाइम में सीपीएम को हम लोग देखा है, बहुत चैलेंज किया है सीपीएम हमको। हम इंडिपेंडेंट करके जीता है जगह में, तो हम लोग मानुष का साथ में दिन से रात तक 24 घंटा में 12-16 घंटा मानुष के साथ हम लोग रहते हैं, मानुष का साथ काम करता है। हम लोग दलाली नहीं करता है और ये लोग दलाल भी है। देखिए ईडी जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकली विंडिक्टिव एटीट्यूड है और ये हो रहा है भाजपा के इंस्ट्रक्शन में। भाजपा वो हार चुका है, हार रहा है और तृणमूल से उसका टक्कर का कोई पावर ही नहीं है, इसीलिए वो एजेंसी को मिसयूज कर रहा है। ये जो शुभेंदु कह रहा है ना, चोर का घर तो एजेंसी जाएगा, यानी चोर तो शुभेंदु बड़ा चोर है। सीबीआई उसका खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है कि क्या है, बीजेपी उसको वीडियो मार्केट में रिलीज किया था, बीजेपी ने उसको चोर बोला। वो चोर शुभेंदु वो बास में जो पॉकेट मार धरा पड़ता है तो दूसरे तरफ पुकारता है पॉकेट मार, ऐसा करता है। शुभेंदु ऐसा ही है, बड़ा चोर शुभेंदु। उसको पॉलिटिकल डेफिसिट बीजेपी को ढाकने के लिए वो मिसयूज कर रहा है और तृणमूल लीडर्स को घर में भेज रहा है एजेंसी को, थोड़ा नेगेटिव माहौल क्रिएट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए।